नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेघराज और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं iPhone 14 Pro Max के बारे में। दोस्तों iPhone 14 Pro लॉन्च हो चुका है, अभी फिलहाल प्री बुकिंग स्टार्ट है, लॉन्च हो चुका है, ये 9 अप्रैल को लॉन्च हुआ है। तो आज मैं इसके डिटेल स्पेक्स बताने वाला हूँ, आपको खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, हमारा क्या ओपिनियन रहने वाला है, ऑल ओवर इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो के अंदर मैं आपको iPhone 14 Pro Max की प्राइस क्या रहेगी, कब तक लॉन्च हो जाएगा, क्या इन्फॉर्मेशन रहने वाली है, वैसे लॉन्च तो होने ही वाला है, क्या कुछ हमें देखने को मिलने वाला है, कितने कैमराज रहेंगे, क्या इसके अंदर कौन सा वो रहेगा iOS 14, 16, 15, क्या कुछ हमें देखने को मिलने वाला है, यार सब कुछ जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो आप पर ये वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए, नॉलेजेबल वीडियोज के लिए, ज्ञानवर्धक वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को दबाएं, ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको आईफोन की डिस्प्ले के बारे में बताने वाला हूँ कि आईफोन के अंदर डिस्प्ले क्या रहेगी, क्योंकि दोस्तों हम नॉर्मल फ़ोन का भी यूज़ करते हैं तो उसमें हम डिस्प्ले को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, वैसे आईफोन के अंदर भी डिस्प्ले ज़्यादा है, मैंने एक मेन मीटर होता है। अगर स्मार्टफोन की डिस्प्ले उतनी अच्छी नहीं है, उतनी बढ़िया नहीं है, यार स्मार्टफोन उतना अच्छा नहीं रहता है। डिस्प्ले की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको 6.70 inches की ये आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि OLED डिस्प्ले रहेगी, 460 PPI पर बेस्ट है, 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में बेजल लेस डिस्प्ले आपको यहां पर देखने को मिलने वाली है, जो कि काफी शानदार डिस्प्ले आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिल रही है। और दोस्तों बात करी जाए इस स्मार्टफोन के अदर फीचर्स की, जिसमें हम इसके कैमरास को ले लेते हैं कि क्या कैमरा फैसिलिटीज हमें इसके अंदर देखने को मिलने वाली है। अगर कैमरा फैसिलिटीज की बात करी जाए दोस्तों, तो इस स्मार्टफोन के अंदर हमें जो कैमरा फैसिलिटीज यहां पर देखने को मिल रही है वो 48 megapixel plus 12 megapixel के आपको यहां पर कैमरास देखने को मिलते हैं, जो कि 4K की वीडियो फैसिलिटीज प्रोवाइड करा देते हैं। और दोस्तों बात करी जाए फ्रंट कैमरास की, तो वो 13 मेगापिक्सल का आपको यहां पर देखने को मिलने वाला है, जो कि काफी ज्यादा शानदार, काफी बढ़िया रहेगा। बैटरी बैकअप की बात करी जाए तो आई थिंक बैटरी बैकअप की तो अभी जानकारी फिलहाल के तौर पर तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो एप्पल के आईफोन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उनकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, वहां पर अवेलेबल है। दोस्तों इसके अंदर आपको 20 वॉट की फास्ट चार्जिंग फैसिलिटीज मिल जाती है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है, काफी ज्यादा शानदार है। और अब हम बात करते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस की, कि परफॉर्मेंस क्या रहने वाली है। परफॉर्मेंस के अंदर दोस्तों हम बात करते हैं रैम एंड इंटरनल स्टोरेज को। वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये मल्टीपल वेरिएंट, वैसे तो आप सभी को मालूम होगा कि जितने भी स्मार्टफोन्स इन फ्यूचर इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च हो रहे हैं वो मल्टीपल वेरिएंट पर लॉन्च हो रहे हैं, कुछ 8GB 128GB, कुछ 6GB 128GB, कुछ 12GB 256GB। तो मेन ही वेरिएंट है यार, इच्छा हमारी रहती है कि हम किस वेरिएंट का स्मार्टफोन बाय करना पसंद करते हैं, यहाँ पर भी आपको मल्टीपल वेरिएंट्स देखने को मिलने वाले हैं। और दोस्तों अब बात करी जाए इस स्मार्टफोन की, इसके अंदर आपको 6GB 128GB 8GB 128GB 8GB 256GB, यार जो भी वेरिएंट आप लेंगे, लेकिन प्राइस वेरी करती है आपका वेरिएंट के ऊपर, क्योंकि जो स्मार्टफोन आप बाय कर रहे हैं तो प्राइस में थोड़ा फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके चिपसेट की, इसके अंदर चिपसेट कौन सा रहने वाला है, अगर चिपसेट की बात करी जाए इसके अंदर आपको एप्पल का A16 बायोनिक चिपसेट आपको यहां पर देखने को मिलने वाला है, A16 बायोनिक, जो कि काफी ज्यादा शानदार है। और दोस्तों हेक्साकोर के आपको यहाँ पर सीफ्यूज प्रोवाइड करा देता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार, काफ़ी बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं इसकी प्राइस क्या रहने वाली है, समथिंग इसकी प्राइस 1,29,000 1,30,000 का समथिंग हमें देखने को मिलती है। फिर वेरिएंट के ऊपर भी वेरी करता है आप कौन सा वाला वेरिएंट लेना चाहते हैं। अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डिटेल इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस स्मार्टफोन को बाय करना चाहते हैं, खरीदना चाहते
चाहते हैं, ये डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है। अगर आपकी इच्छा हो बाय करने की तो डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करके बाय कर सकते हैं। वैसे तो मैं खुद भी आईफोन 13 यहाँ पर यूज करता हूँ, जो कि मैं काफी समय से कर रहा हूँ, जब लॉन्च हुआ था तब तो मुझे काफी बढ़िया लगा था ये स्मार्टफोन। अब आईफोन 14 आ रहा है, 14 प्रो आ रहा है, 14 प्रो मैक्स आ रहा है, मल्टीपल वेरियंट्स में स्मार्टफोन आ रहा है। अब आप जो भी स्मार्टफोन अगर खरीदना चाहें, बाय करना चाहें, कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का प्रेम पूर्वक दिल से हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो।